दोस्तों, आज मैं आपको एक डुप्लेक्स हाउस घर का जो है वॉकथ्रू दिखाना चाहता हूँ। ऑल क्रिटिकल स्टोरी हाउस ओनर आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर ऑफ दिस हाउस ऑल वर्कर एंड कॉन्ट्रैक्टर। सो देखिएगा अंदर की तरफ, इस तरह से बाहर की तरफ अंदर देखेंगे। ऐसा कमान आर्क दिया हुआ है, ऊपर की तरफ बालकोनी, इधर यूटिलिटी के लिए जगह, ये किचन का इस तरह से डब्बा जैसा बनाएगा। ये मैट फिनिश टाइल्स, कार पार्किंग, सम्प भी दिया गया। अंदर की तरफ एंटर करें, डबल हाइट हॉल आता है ये। तो पूरा वाइट टाइप पे टाइल्स यूज़ किया गया, समथिंग शुगर कोटेड है कि क्या है, थोड़ा अलग है। ऊपर की तरफ डबल हाइट हॉल, मेंटेनेंस बहुत पड़ता है दोस्तों वाइट अगर आप यूज़ कर रहे तो। ऊपर की तरफ डबल हाइट एंड वास्तु के अनुसार यहाँ पर पूजा मंदिर दिया गया है इस तरफ। तरह से देखिएगा ये मेन, और इधर आ जाएगा किचन प्लेटफॉर्म एरिया है ये। एक यूटिलिटी परपोज डोर यहाँ पर, यूटिलिटी किचन प्लेटफॉर्म एरिया, स्टेप्स, जिगजैग स्टेप्स। मैं जब पहले देखा था ना, ये बहुत पतले थे, अब जो है वो ग्रैनाइट लगाने का एडजस्टमेंट के लिए ना इतना मोटा हुआ है। जब मैं फर्स्ट टाइम देखा, एकदम पतला, भारी, खूबसूरत थे। और इधर एक बेडरूम विथ अटैच्ड लैट्रिन बाथ, और पीछे की तरफ यहाँ पे बाथ एरिया, ये कंसील्ड टॉयलेट सेट आता है। इधर से आप गार्डन के लिए जा सकते हो, उधर पूजा रूम ही है। मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों, टाइल का कॉम्बिनेशन सही नहीं लग रहा है मुझे, और एकदम ब्रांडेड यूज़ किए, मतलब उनका उनका सोच होंगे शायद, बट घर बहुत खूबसूरत बनेगा जब बनने के बाद। वो कलर का टाइल्स कहाँ पे यूज़ हुआ, ऊपर की तरफ चल रहा हूँ मैं। और ये ऐसा ऊपर, फिर बीम क्यों ऐसा लिए, उस तरफ ना किराएदार का पोर्शन है, यहाँ तक एंटर करें। इधर से एक बेडरूम है, विद बालकनी के साथ। ये बाथरूम में मैट फिनिश, शुगर कोटेड मैट फिनिश, बालकनी आता,
टाइल्स के लिए इसको ऐसा रफ किया गया बिठाने के लिए। वही ऊपर दो बेडरूम है समझो। ये टाइल्स अच्छा है, टाइल्स नहीं ये वेट्रीफाइड टाइल्स है। एक बाथरूम, ये क्यों ऐसा हुआ ऊपर नीचे? मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, क्या दूसरा आइडिया है यहाँ पे? कुछ नहीं, एक नीचे हुआ एक ऊपर हुआ। आई थिंक जो टॉयलेट का पानी जो है यहाँ पे, फिर बाद का पानी उधर, इधर नहीं आना बोल को किए कि क्या है कि? बहुत कंफ्यूजन होता है टाइल सिलेक्शन में, बट फिर भी चले जाता। देखो उतना कुछ ऑब्जर्व करने की नौबत नहीं है। इधर इधर क्या है यार, ग्लास आता है क्या, स्लाइडिंग आता है? मे भी बेडरूम के लिए ना प्राइवेसी देना चाहिए था ज़्यादा। ये बेडरूम है ना, तो वो ग्लास वर्क वो सब नहीं करना चाहिए। ऐसे ऊपर है और ऐसा देखिए, यहाँ पे ग्लास और एक बेडरूम है ऊपर। ये बालकोनी टाइप में बनाया गया है यहाँ पर। ये क्या लगा है इसके अंदर, मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। ये बहुत महंगा है, ऊपर पूरा ऊपर जाने के लिए स्टेप्स दिए गए। और इस स्टेप की मदद से आप किराएदार के पोर्शन को भी जा सकते हैं समझो। अच्छा, बहुत मुश्किल है मेंटेनेंस करना, सही बोल रहा हूँ मैं। ये किचन प्लेटफॉर्म बहुत नीचे हो गया, कमर दर्द में, कमर में दर्द देता। देखो ठीक है दोस्तों, इस तरीके का ऊपर गार्डन बनाया गया। अभी इसको पॉलिश मोल्डिंग नहीं करें, करना चाहिए। धन्यवाद।